सारे लोग ये वाली मीटिंग जो है इससे जो है आप लोग वो लीव करो, और जो ग्रुप में सर ने लिंक सेंड किया उसको ज्वाइन करो। ओके, हु मेड मी म्यूट? ओके, नाउ स्टूडेंट्स, इफ यू कैन लिसन मी, समबडी प्लीज ओपन अप योर माइक एंड टेल मी देयर आर फोर स्टूडेंट्स, बट हु मेड मी म्यूट? मुझे किसने म्यूट कर दिया था? पता नहीं सर, आप तो किसने किया? अच्छा चले, बहरहाल मैं अब अपना लेक्चर शुरू कर रहा हूँ। देयर आर फोर स्टूडेंट्स इन क्लास। डिस्कोर्स एनालिसिस आज का हमारा टॉपिक है, और ये आप लोगों के लिए एक नई चीज है, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि लिंग्विस्टिक्स में हर चीज आपके लिए एक नई चीज है। आज के इस टॉपिक में दो चीजें हैं, एक है डिस्कोर्स, दूसरा है एनालिसिस। हम दोनों को पहले डिस्कस करेंगे अलग-अलग कि डिस्कोर्स क्या होता है और एनालिसिस क्या होता है। डिस्कोर्स की तीन डेफिनेशंस हैं। नंबर एक, द टर्म डिस्कोर्स मींस रिटन एंड स्पोकन कम्युनिकेशन, यानी वो सारी चीजें जो हम लिखते हैं, वो सारे अल्फाज, बामानी अल्फाज जो हमारी जुबान से निकलते हैं, वो सब डिस्कोर्स कहलाते हैं। सादा आसान लफ्जों में गुफ्तगू, जो हमने लिख कर गुफ्तगू की, किसी को मेल सेंड की, किसी के नाम लेटर लिखा, किसी के नाम कोई टेक्स्ट मैसेज लिखा, वो डिस्कोर्स है। हमने जो बराह रास्त गुफ्तगू की किसी से, वो डिस्कोर्स है। इसकी दूसरी डेफिनेशन, अ पीस ऑफ डिस्कोर्स इज एन इंस्टेंस ऑफ स्पोकन और रिटन लैंग्वेज। पीस ऑफ डिस्कोर्स क्या है? इज एन इंस्टेंस, एक मिसाल है किस चीज को, स्पोकन और रिटन लैंग्वेज, उस लैंग्वेज की जो बोली गई है या जो लिखी गई है, दैट हैज इंटरनल रिलेशनशिप ऑफ फॉर्म एंड मीनिंग। और इसमें रिलेशन होता है इसकी फॉर्म में, इसके मीनिंग्स में, यानी जो एक सेंटेंस बोला गया है उस सेंटेंस में जो अल्फाज हैं
वो एक मैसेज कॉन्वे करते हैं. रिलेशनशिप बिटवीन फॉर्म एंड मीनिंग के लिखा गया है वर्ड्स स्ट्रक्चर्स कोहिजन. यानी उसमें अल्फाज होते हैं, उसमें स्ट्रक्चर होता है, उसमें कोहिजन है, मतलब तसलसल है, स्टेप बाय स्टेप बात को बयान किया जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप मीनिंग्स कॉन्वे किए जा रहे हैं. इस तरह की कॉन्वर्जेशन को गुफ्तगू को डिस्कोर्स कहते हैं. तीसरी डेफिनेशन, क्रिटिक्स ऑल्सो डिफाइन डिस्कोर्स एज अ लैंग्वेज फॉर्म्स that are produced and interpreted as people communicate with each other. यानी language forms, जुबान की वो किस्म जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह की भी जुबान हम इस्तेमाल करते हैं अपने साथ वालों से communication के लिए, हमारा वो जुबान का इस्तेमाल, हमारा वो लहजा, हमारे dialogues, वो सब कुछ discourse कहलाता है. अब इसकी मिसाल मैं आपको अपने से देता हूँ कि I am talking to you now. इस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ, मेरा बात करने का अंदाज एक डिस्कोर्स है. वो डिस्कोर्स क्या है? I am speaking as a professor, I am speaking as a teacher and my aims is to teach you, to convey a message to you. मेरा ये एक खास स्टाइल है. इसी तरह से जब आप अपनी सहेलियों के दरमियान बैठी होंगे, आप किसी टॉपिक पर गुफ्तगू कर रही हैं, आपका वे ऑफ स्पीच मुख्तलिफ होगा, आपके अल्फाज मुख्तलिफ होंगे, आपका टोन, आपका लहजा मुख्तलिफ होगा, उसमें मजाक भी होगा, उसमें तंज भी होगा, कहीं आप सीरियस भी होंगे. वो आपका स्टाइल है, वो आपका डिस्कोर्स है. तो बात करने का अंदाज डिस्कोर्स कहलाता है. आगे आ जाते हैं डिस्कोर्स एनालिसिस की तरफ कि ठीक है जी, डिस्कोर्स तो हो गया गुफ्तगु कम्युनिकेशन, अब इसका एनालिसिस क्या होता है? डिस्कोर्स एनालिसिस, the term discourse analysis was coined by Zilling Harris, a linguist. ये एक शख्स का नाम है जी, Zilling Harris. ये linguist था. linguist कौन होता है? जुबानदान. उर्दू में कहते हैं माहिर लिसानियात या जुबानदान, यानी जो जुबान से मुतल्लिक, किसी लैंग्वेज से मुतल्लिक तहकीक करता है कि एक लैंग्वेज किस तरह से शुरू हुई, इसकी ग्रामर क्या है, इसका डायलेक्ट क्या है और बहुत सी चीजें. जो शख्स रिसर्च करता है लैंग्वेजेस पर उसे लिंग्विस्ट कहते हैं. तो Zilling Harris एक लिंग्विस्ट था who initiated a search for language rules, और उसने एक रिसर्च का आगाज किया था लैंग्वेज के रूल्स से मुतलिक, दैट वुड एक्सप्लेन हाउ सेंटेंसेस वर कनेक्टेड विद इन अ टेक्स्ट. और उसका फोकस क्या था? उसके रिसर्च का फोकस यह था कि सेंटेंसेस को किस तरह से मिलाया जाता है एक लॉन्ग टेक्स्ट में. यानी उसकी रिसर्च का फोकस कोई एक लफ्ज या अल्फाज का इस्तेमाल नहीं था, बल्कि वो सेंटेंसेस से नेक्स्ट स्टेप था. ओके, डिस्कोर्स एनालिसिस की पहली डेफिनेशन है, डिस्कोर्स एनालिसिस इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज बियॉन्ड सेंटेंस बाउंड्रीज. ये आप देखते हैं कि हेडिंग मैंने हाईलाइट की हुई है येलो कलर में. ये इसकी सबसे आसान और बेहतरीन हेडिंग है, सॉरी डेफिनेशन है, आसानी से याद भी हो सकती है एक सेंटेंस. इसके अलावा भी तीन हैं. बहरहाल कहा गया कि डिस्कोर्स एनालिसिस इज डिफाइंड एज अ स्टडी ऑफ लैंग्वेज बियॉन्ड सेंटेंस बाउंड्रीज. जब हम किसी लैंग्वेज का जायजा लेते हैं, उसका तजिया करते हैं सेंटेंस लेवल से आगे बढ़कर, कोई पूरा नॉवल, कोई पूरा आर्टिकल, कोई पूरी किताब, कोई पूरी नज़्म, जब उसका तज्जिया किया जाता है पूरी तरह से कम्प्लीटली, तो उसको डिस्कोर्स एनालिसिस कहते हैं. और अगर इससे निचला लेवल होगा तो वो एनालिसिस होगा, वो डिस्कोर्स एनालिसिस नहीं होगा. इसकी दूसरी डेफिनेशन, डिस्कोर्स एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ स्टडिंग रिटन और स्पोकन लैंग्वेज. डिस्कोर्स एनालिसिस क्या है? एक मेथड है ऑफ स्टडिंग रिटन और स्पोकन लैंग्वेज इन रिलेशन टू इट्स सोशल कॉन्टेक्स्ट. जी हाँ, जब हम किसी डिस्कोर्स को एनालाइज करते हैं, किसी गुफ्तगू को, किसी तहरीर को एनालाइज करते हैं, तो हम इसका सोशल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं कि ये किस मुआशरे में बैठकर लिखी गई थी, उस मुआशरे के साथ इसका क्या ताल्लुक है, या फिर इस तहरीर को पढ़ के, इस स्पीच को सुन के हमें उस मुआशरे से मुतल्लिक क्या सबक मिलता है. इट एम्स टू अंडरस्टैंड हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड. एक मकसद होता है इस बात को समझने के लैंग्वेज कैसे इस्तेमाल होती है इन रियल लाइफ सिचुएशन, हकीकी जिंदगी में. मसलन इसकी बड़ी प्यारी सी मिसाल गालिब के खतूत हैं. जब हम गालिब के खतूत को पढ़ते हैं और उस पर थोड़ा सा गौर खोज करें, तो हम लाशौरी तौर पर डिस्कोर्स एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि गालिब की जुबान, उसके खतों की जुबान हमें बताती है कि हकीकी उर्दू जुबान क्या थी, जिसमें अंग्रेजी और बाकी
अल्फाज की आमेजिश मिलावट नहीं थी, वो जुबान जो सही मानों में उर्दू जुबान थी, खालिस उर्दू, ये इसकी एग्जांपल है। उसके बाद अगर हम सोशल कॉन्टेक्स्ट की बात करें, जैसे कि हमने पढ़ा कि डिस्कोर्स एनालिसिस इज द मेथड ऑफ स्टडिंग रिटन और स्पोकन लैंग्वेज इन रिलेशन टू इट्स सोशल कॉन्टेक्स्ट, तो फिर से वही बात सामने आती है कि जब गालिब के खतूत को पढ़ते हैं उसके मुआशरे के क्या हालात थे, 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों पर किस तरह से जमीन तंग कर दी गई थी, वो सब कुछ हमें पता चलता है, वो भी डिस्कोर्स एनालिसिस है, वो सोशल कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है। ओके, नेक्स्ट, डिस्कोर्स एनालिसिस फोकसेस ऑन द फॉर्म्स एंड फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। डिस्कोर्स एनालिसिस क्या है, ये फोकस करता है फॉर्म्स एंड फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, एक लैंग्वेज की मुख्तलिफ फॉर्म्स पर, कि लैंग्वेज की मुख्तलिफ अशकाल शक्लें क्या होती हैं और इसके फंक्शंस क्या हैं। अब अगर आप फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज से मुतल्लिक परेशान होते हैं तो डजंट मैटर, हमारा अगला लेक्चर इंशाल्लाह फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज से मुतल्लिक ही होगा। हम इसमें लैंग्वेज के मुख्तलिफ तबकात देखेंगे कि लैंग्वेज मुआशरे में कितने दर्जात पर जाकर किस किस तरह से बदल बदल कर इस्तेमाल की जाती है, एज वेल एज द स्पेशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरेक्शन। और इसमें यह भी देखा जाता है कि जो इंटरेक्शन हो रही है, जो गुफ्तगू हो रही है, जो कुछ तहरीर किया जा रहा है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो किस ज़िमन में लिखा जा रहा है, किस सिलसिले में लिखा जा रहा है। डिस्कोर्स एनालिसिस इज कंसर्न, ये इसकी चौथी डेफिनेशन है, विद द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट इज यूज्ड। डिस्कोर्स एनालिसिस क्या है, स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड द कॉन्टेक्स्ट। इसमें जो समझने वाली चीज है वो क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट इज यूज्ड, यानी आप जिस लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो रही है, उसका जायजा लेना डिस्कोर्स एनालिसिस में आ जाता है। और उसकी मिसाल एक बार फिर से यही है कि जैसे मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं तो मेरा स्टाइल ऑफ स्पीच उस स्टाइल ऑफ स्पीच से बहुत मुख्तलिफ होगा जो कि एक दुकानदार और गाहक के दरमियान का लहजा है, जो कि एक अफसर और उसके मातहत के दरमियान का लहजा है, या फिर दो दोस्तों के दरमियान जो लहजा होगा गुफ्तगू का, मेरा लहजा मेरा स्टाइल उससे मुख्तलिफ है। तो ये तमाम तर लहजे, ये तमाम तर स्टाइल ऑफ स्पीच जब इनका तज्जिया किया जाता है मजमू तौर पर ऑन द होल सेंटेंस लेवल से ऊपर जाकर, वो डिस्कोर्स एनालिसिस कहलाता है। तो जनाब, अब तक इस लेक्चर के पहले 7-8 मिनट में मैंने सिर्फ आपको ये समझाया कि डिस्कोर्स क्या होता है और फिर डिस्कोर्स एनालिसिस क्या होता है। और डिस्कोर्स एनालिसिस का ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, इसकी अहमियत का आप अंदाजा कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि ये अगले जमाने में आपको थीसिस लिखने में काम दे सकता है, अगर आपसे थीसिस लिखने का कहा गया तो। मसलन मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरे चंद एक दोस्तों ने डिस्कोर्स एनालिसिस किया था किसी एक नॉवेल का, किसी एक नज़म का, और एक खातून थी जिन्होंने कुरान पाक की किसी सूरत का मुकम्मल डिस्कोर्स एनालिसिस किया था, क्योंकि वो हाफिजा थी, उन्हें अरेबिक लैंग्वेज से मुतल्लिक भी कुछ इलम था, और शायद कि उन्होंने कुछ और भी दीनी कोर्स कर रखे थे, उनका नॉलेज कुरान पाक से रिलेटेड था, तो उन्होंने कुरान पाक की एक पूरी सूरत का डिस्कोर्स एनालिसिस किया था, इस चीज पे थीसिस लिखा था। मेरे एक दोस्त ने एक नॉवेल का डिस्कोर्स एनालिसिस किया था। तो ये जो डिस्कोर्स एनालिसिस है आपको इस तरह से काम दे सकता है कि अगले जमाने में अगर आपको थीसिस लिखना पड़े, आप किसी नज़म को सिलेक्ट करके, किसी ड्रामा को, किसी नॉवेल को सिलेक्ट करके उसका डिस्कोर्स एनालिसिस कर सकते हैं। वो काम तो थोड़ा आसान हो जाता है, बहरहाल प्रैक्टिकल लाइफ में उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं होती। तो ये इसकी अहमियत थी। ठीक, अब हम आ जाते हैं इसके अगले स्टेप्स की तरफ, इसकी डेफिनेशन के बाद। अ स्टडी ऑफ टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज बिटवीन सेंटेंस लेवल इज कॉल्ड डिस्कोर्स एनालिसिस। हकीकत में ये सेंटेंस भी एक डेफिनेशन ही है। डिस्कोर्स एनालिसिस इज एन एम्ब्रेला टर्म। लो जनाब, ये आपके लिए एक बार फिर से काम की चीज है। डिस्कोर्स एनालिसिस इज एन अम्ब्रेला टर्म फॉर टेक्स्ट एनालिसिस एंड स्पेसिफिक मेथड ऑफ एनालिसिस। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं क्योंकि ये एक बार फिर से डिस्कोर्स एनालिसिस की बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन है, सादा है, आसान है।
और इसको मेरे ख्याल यहाँ से हटा के कहीं टॉप पे ले आते हैं। जी लो जनाब, इसे मैंने यहाँ से हटा के ऊपर शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि ये बजाते खुद अपनी जात में डिस्कोर्स एनालिसिस की एक सादा और आसान डेफिनेशन है। अब एक चीज मैं आपको समझाता चलूँ, इसमें लफज इस्तेमाल हुआ है अम्ब्रेला टर्म। ये अम्ब्रेला टर्म क्या होती है, मैं यह समझा दूँ, स्टूडेंट्स को इसमें बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती है। जी, डिस्कोर्स एनालिसिस इज एन अम्ब्रेला टर्म। अम्ब्रेला मीन्स छतरी। अम्ब्रेला टर्म एक ऐसी टर्म होती है जो कि एक पूरी कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल होती है। इसकी मिसाल बर्ड्स, परिंदे हैं। किसी ने कहा जी कि आई वॉन्ट टू सी अ बर्ड, मैं परिंदा देखना चाहता हूँ। आपने मुर्गी की तरफ इशारा किया, उसने कहा नो इट इज हैन, आई वॉन्ट टू सी अ बर्ड। आपने पिजन की तरफ इशारा किया, उसने कहा नो इट इज पिजन, आई वॉन्ट टू सी अ बर्ड। भाई मुर्गी नहीं, मुझे परिंदा दिखाओ, पिजन नहीं परिंदा। अब लफज परिंदा उन सारे जानदारों के लिए एक इज्तमाई नाम है, उनकी एक इज्तमाई पहचान है, टाइटल है कि जो उड़ सकते हैं, जो दाना खाते हैं, जो अंडे देते हैं। ऐसे तमाम जानदारों को मजमूई तौर पर हम क्या कहते हैं, हम बर्ड कहते हैं, हम परिंदा कहते हैं। उसके बाद इसे निचले दर्जे पर आकर उन सब की अपनी अपनी एक अलहदा पहचान है, एक अलहदा नाम है उनका, उनकी अपनी अलहदा अलहदा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खूबियां हैं। लेकिन आप इनमें से तमाम तर जानदारों को, वो कोई भी जानदार जिसके पर है, जो अंडे देता है, जो दाना खाता है, आप उसको उसके असल नाम से भी पुकार सकते हैं, उसको बर्ड भी कह सकते हैं। तो ये जो लफ्ज़ बर्ड होगा ये क्या होगा, ये एम्ब्रेला टर्म होगी। इसी तरह से डिस्कोर्स एनालिसिस एक एम्ब्रेला टर्म है, किसके लिए, फॉर टेक्स्ट एनालिसिस एंड स्पेसिफिक मेथड ऑफ एनालिसिस, किसी भी टेक्स्ट का तजजिया करने के लिए स्पेसिफिक अंदाज में। उम्मीद है कि इस बात की समझ आई होगी। व्हेन यू डू डिस्कोर्स एनालिसिस यू माइट फोकस ऑन, अब हमारा फोकस क्या होगा। अब तक तो हमने सिर्फ यही पढ़ा है कि एनालिसिस सॉरी डिस्कोर्स क्या है, डिस्कोर्स एनालिसिस क्या है, अगली कोई बात हमने नहीं की। अब आ जाते हैं कि हमें ये डिस्कोर्स एनालिसिस करना कैसे है, क्योंकि डेफिनेटली अगले वक्तों में आपको भी डिस्कोर्स एनालिसिस की जरूरत पड़ सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप इस टॉपिक को लेकर थीसिस बना सकते हैं, द पर्पस एंड इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। इसका पहला मकसद है, आप डिस्कोर्स एनालिसिस करते हैं, सपोज आपने विलियम शेक्सपियर का एक ड्रामा ले लिया, या फिर आपने पैराडाइज लॉस्ट का डिस्कोर्स एनालिसिस करना है, सिर्फ पैराडाइज लॉस्ट बुक वन पे आ जाते हैं, तो आपके डिस्कोर्स एनालिसिस का फोकस पहली चीज द पर्पस एंड इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। आप ये बताएंगे कि पैराडाइज लॉस में जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, इसका पर्पस क्या था, क्यों इस्तेमाल की गई, और इसका इफेक्ट क्या हुआ पढ़ने वालों पर, ये बताएंगे। डेफिनेटली पर्पस ये था कि वो एक एपिक पोइम थी, और एपिक पोइम की ट्रेडिशन है कि उसमें हाईली क्लासिकल लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, एक ये फोकस हो गया। दूसरी बात, अब डिस्कोर्स एनालिसिस क्यों करते हैं, कल्चरल रूल्स एंड कन्वेंशंस इन कम्युनिकेशन। अब ये देखते हैं कि जिस जमाने में ये खास तहरीर लिखी गई थी, उस जमाने के कल्चरल रूल्स क्या थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या थे, एंड कन्वेंशंस वहां की रिवायात की थी क्या थी इन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन के मामले में। मसलन मिर्जा गालिब के खदूद पढ़ते हैं तो हमें उस जमाने की कॉन्वेंशंस का पता चलता है कि उस जमाने में जुबान इस्तेमाल करने का क्या तरीका था, रस्म व रिवाज क्या थे, आदाब सलाम दुआ का क्या तरीकेकार था। नेक्स्ट, हाउ वैल्यूज बिलीव्स एंड एजम्पशंस आर कम्युनिकेटेड। उसके बाद हम ये देखते हैं कि बिलीव्स एजम्पशंस एज्यूम कर लेना, किसी चीज का फर्ज कर लेना, वैल्यूज को और बिलीव्स को किस तरह से कम्युनिकेट किया जाता है, अपने अंदर की बात को, अपने अकीदे को दूसरों तक कैसे ट्रांसफर किया जाता है, हम ये भी इस चीज में देख सकते हैं। हाउ लैंग्वेज यूज रिलेट्स टू इट्स सोशल पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, ये सबसे अहम बात है। जब हम किसी नॉवेल का, अफसाने का, ड्रामा का डिस्कोर्स एनालिसिस करते हैं, किसी पोइम का डिस्कोर्स एनालिसिस करते हैं, तो सबसे पहला फोकस यही होता है कि इस लैंग्वेज, इस नज़म की लैंग्वेज या इस नॉवेल की लैंग्वेज का क्या ताल्लुक है इस सोसाइटीज के मुआशरे से, पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, उस जमाने की पॉलिटिक्स से इसका क्या ताल्लुक है,
इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इस लैंग्वेज का, किस कौम ने इस लैंग्वेज को जन्म दिया था, दुनिया के किस हिस्से में, किस मुल्क में, किस खित्ते में ये लैंग्वेज शुरू हुई थी, वो सारी चीजें खुलकर आपके सामने आना शुरू हो जाती हैं जब आप डिस्कोर्स एनालिसिस करते हैं। तो ये जनाब जो चार पॉइंट्स हैं ये आप भी जहन में रखेंगे अगर कभी मुस्तकबिल में आपको डिस्कोर्स एनालिसिस करना पड़ता है तो। ओके, डिस्कोर्स एनालिसिस इज अ कॉमन क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। अब डिस्कोर्स एनालिसिस क्या है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च है। जब आप रिसर्च करेंगे अगले सेमेस्टर्स में तो एक बड़ी अहम चीज आपसे पूछी जाएगी कि क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है। रिसर्च के दो तरीकेकार हैं, एक क्वालिटेटिव रिसर्च है, इसका ताल्लुक सिर्फ किसी चीज की क्वालिटी से होता है, इसमें स्टैटिस्टिक्स आदाद शुमार इकट्ठे किए जाते हैं, और क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए हमें फील्ड में निकलना पड़ता है, उसमें क्वांटिटी को देखा जाता है। हम फील्ड में निकलते हैं, किसी से इंटरव्यू करते हैं, हम स्टैटिस्टिक्स जमा करते हैं, हम क्वेश्चनेयर फिल करवाते हैं, लोगों से इंटरव्यू करते हैं, फिर उसकी बुनियाद पर कोई नतीजा खस करते हैं। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में हम सिर्फ आदाद शुमार इकट्ठे करते हैं बुक्स वगैरह को पढ़कर अपने फील्ड से रिलेटेड रहकर। ओके, तो ये क्या जी, ये क्वालिटेटिव रिसर्च है। जब आप डिस्कोर्स एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको उसके लिए कोई क्वेश्चनेयर लिखने की जरूरत नहीं है, लोगों से इंटरव्यू करने की जरूरत नहीं है, उनसे कोई सवालों के जवाब वसूल करने की जरूरत नहीं होती। आप जस्ट टेक्स्ट पढ़ते हैं, उसका तजिया करते हैं, देखते हैं कि इसमें ग्रामर का क्या इस्तेमाल है, इसमें सेंटेंसेस किस तरह के हैं, राइटर का मूड क्या है, दिस एंड दैट। तो क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वान्टिटेटिव रिसर्च आपको एक ओवरव्यू दिया है, आगे आने वाले वक्तों में आपका इससे वास्ता पड़ना है। आई रिपीट इट, डिस्कोर्स एनालिसिस इज अ कॉमन क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड इन मेनी ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस। तो डिस्कोर्स एनालिसिस ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट्स में एंड सोशल साइंसेस में इस्तेमाल होता है, सोशल साइंस डिसिप्लिन में, इंक्लूडिंग लिंग्विस्टिक्स, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी एंड कल्चरल स्टडीज। इन तमाम तर फील्ड्स में डिस्कोर्स एनालिसिस किया जाता है। जो साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, वो भी डिस्कोर्स एनालिसिस करते हैं, जो लोग कल्चर स्टडी करते हैं वो भी डिस्कोर्स एनालिसिस करते हैं। कंडक्टिंग डिस्कोर्स एनालिसिस मींस एग्जामिनिंग हाउ लैंग्वेज फंक्शंस एंड हाउ मीनिंग इज क्रिएटेड। लैंग्वेज का फंक्शन क्या है, मतलब कैसे निकलते हैं, डिस्कोर्स एनालिसिस बताता है। डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट, इट कैन बी अप्लाई टू एनी इंस्टेंस ऑफ रिटन और ओरल लैंग्वेज। इसको किसी भी रिटन लैंग्वेज पर अप्लाई कर सकते हैं, ओरल जुबानी कलामी बात पर अप्लाई कर सकते हैं, एज वेल एज नॉन वर्बल एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज टंग एंड जेस्चर। और डिस्कोर्स एनालिसिस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी होता है, यानी जब एक शख्स बोलने के दौरान, बात करने के दौरान अपने फेस एक्सप्रेशंस देता है, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, हाथ हिलाकर बात करता है, उसके चेहरे के तासुरात, उसका गुस्सा, उसकी हंसी, ये सब कुछ भी डिस्कोर्स एनालिसिस के दायरे में आता है, हम इस चीज का भी तजिया कर सकते हैं। ओके, इसमें तीसरा पॉइंट है जी, मटेरियल्स दैट आर सुटेबल फॉर डिस्कोर्स एनालिसिस। अब हम ये देखते हैं कि हम डिस्कोर्स एनालिसिस कर किस चीज का सकते हैं। अब तक तो हमें सिर्फ ये बताया गया कि डिस्कोर्स क्या है, वो गुफ्तगू है, एनालिसिस क्या है, गुफ्तगू का पूरे बड़े पैमाने पर तजिया करना। अब भाई वो कौन कौन सी गुफ्तगू है जिसका एनालिसिस हो सकता है। पहले नंबर पर बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स। ओके, एक चीज जरा मुझे बताइएगा कि स्क्रीन आपके सामने डिम तो नहीं है, क्लियर है? ओके, अब मैंने इसकी ब्राइट फुल की है क्योंकि पहले ब्राइट कम थी। ओके, हम एनालिसिस कर सकते हैं बुक्स का, न्यूज़पेपर्स का एंड पीरियोडिकल्स का। पीरियोडिकल्स यानी जर्नल्स, रिसाले होते हैं। उसके बाद मार्केटिंग मटेरियल है, सच एज ब्रोशर्स एंड एडवर्टाइजमेंट्स। ये जो ब्रोशर्स, इश्तहारात आप देखते हैं टीवी पर, देखते हैं बाहर बिलबोर्ड्स लगे हुए देखते हैं, या फिर अखबार में इश्तहारात होते हैं, इन सब का भी डिस्कोर्स एनालिसिस हो सकता है। बिजनेस एंड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स हुकूमत की तरफ से जारी किए जाते हैं, जैसे हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ हिदायत जारी की जाती हैं, नोटिसेस आते हैं, वार्निंग्स आती हैं, और इस तरह के कई एक डॉक्यूमेंट्स हैं, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें मुख्तलिफ तरह के बिजनेस लेटर्स आ जाते हैं, जैसे कोई कंप्लेन लेटर है, ऑर्डर लेटर है,
किसी कंपनी से कोई चीज मंगवाने के लिए ऑर्डर प्लेस करना कि हमें ये प्रोडक्ट इतनी तादाद में चाहिए या इस प्रोडक्ट में हमें ये फॉल्ट नजर आया है, वो कंप्लेन लेटर की सूरत में लिखा जाता है। एप्लीकेशन फॉर जॉब है, सीवी है, ये सब बिजनेस डॉक्यूमेंट्स में आ जाते हैं, इसका भी डिस्कोर्स एनालिसिस हो सकता है। वेबसाइट्स हैं, फोरम्स हैं, सोशल मीडिया पोस्ट एंड कमेंट्स हैं, आप वेबसाइट्स का डिस्कोर्स एनालिसिस कर सकते हैं कि जो फलां फलां वेबसाइट है उसमें किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है और उसका फॉर्मेट क्या है, दिस एंड दैट। ठीक है जी, मुझे मैसेज मिल गया कि लास्ट 10 मिनट्स रह गए हैं, मुझे इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। ओके, यहां तक जो कुछ मैंने समझाया उस बात की समझ आ रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? By analyzing these types of discourse, researchers aim to gain an understanding of social groups and how they communicate. ठीक है, ये पहले वाली बात है, इससे हमें पता चलता है कि social groups किस तरह से communicate करते हैं आपस में। How is discourse analysis different from other methods? अब इसका difference भी बताया जा रहा है कि discourse analysis और बाकी के analysis में क्या फर्क है। Unlike linguistic approaches that focus only on the rules of language use, discourse analysis emphasizes the contextual meaning of language. Okay, the contextual meaning of language, कहा गया कि जब हम discourse analysis करते हैं तो हम context में जाते हैं कि language किस ज़िमन में, किस सिलसिले में क्यों इस्तेमाल की गई और इसका मकसद क्या है। जबकि जो discourse analysis नहीं होता उसमें focus होता है, focus only on the rules of language use। मसलन अगर हम ग्रामेटिकल एनालिसिस, सिर्फ सिंपली ग्रामेटिकल एनालिसिस करते हैं तो वो डिस्कोर्स एनालिसिस में नहीं आता। डिस्कोर्स एनालिसिस इससे आगे की चीज है। एक और चीज, इट फोकसेस ऑन द सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड द वेज पीपल यूज लैंग्वेज टू अचीव स्पेसिफिक इफेक्ट्स। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन स्मॉलर यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज सच एज साउंड, वर्ड्स और फ्रेजेस, डिस्कोर्स एनालिसिस इज यूज टू स्टडी लार्ज चंक्स ऑफ लैंग्वेज। ये भी पहले बात हो चुकी कि हम सिर्फ साउंड्स, वर्ड्स एंड फ्रेजेस का तज्जिया डिस्कोर्स एनालिसिस में नहीं करते। डिस्कोर्स एनालिसिस क्या है, स्टडी लार्जर चंक्स ऑफ लैंग्वेज। ये तो लैंग्वेज को बड़े पैमाने पर स्टडी करने का नाम है, सच एज एंटायर कॉन्वर्जेशन, जैसे कि किसी लीडर की पूरी कॉन्वर्जेशन, उसकी तकरीर का एनालिसिस करना, जैसे इमरान खान की तकरीर जब वो हुकूमत में नहीं था, हुकूमत में आने से पहले की इसकी जो तकरीर थी उसके बड़े डिस्कोर्स एनालिसिस हुए हैं, उस पर बड़े आर्टिकल्स लिखे गए हैं, थीसिस बने हैं उस पर, टेक्स्ट और कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट। द सिलेक्टेड सोर्सेज कैन बी एनालाइज ऑन मल्टीपल लेवल्स। अब जो मंदरजा झैल चीजें हैं उन्हें हम एनालाइज कर सकते हैं मुख्तलिफ अंदाज में, मुख्तलिफ लेवल्स पर एनालाइज करते हैं। ये टेबल है, इसको मैं बड़ी तफसील से नहीं पढ़ूंगा। विकेबलरी है जी, अगर आप डिस्कोर्स एनालिसिस में विकेबलरी को शामिल करते हैं तो वर्ड्स एंड फ्रेजेस कैन बी एनालाइज फॉर आइडियोलॉजिकल एसोसिएशंस, फॉर्मेलिटी एंड एफेमिस्टिक एंड टेम्फोरिकल कॉन्टेंट। ग्रामर है, द वे दैट सेंटेंस आर कंस्ट्रक्टेड, आप ग्रामर को भी देख सकते हैं। स्ट्रक्चर है, द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेक्स्ट कैन बी एनालाइज्ड फॉर हाउ इट क्रिएट्स एम्फेसिस और बिल्ड्स अ नैरेटिव। आप पूरी स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि ये किस तरह से बिल्ड किया गया है। जॉनराज हैं, ये लफ्ज शायद हम पहले भी पढ़ चुके हैं एक दो मरतबा, GENRE, इसको जेनर नहीं पढ़ना, इसको जॉनरा, जे, ये जो जी लफज है ये जे की साउंड पेश करता है, जॉनरा या फिर योनरा वाई की आवाज। अगर डिक्शनरी में आप इसको देखें तो जे साउंड है जॉनरा, ठीक है, लेकिन हम एशिया वाले, बरेसगीर वाले इसको वाई साउंड के साथ प्रोनाउंस करते हैं, योनरा। जो मैंने अपने उस्ताद साहिबान से सुना वो लफज जॉनरा था, इसको जॉनरा भी कहते हैं। और इसका बड़ा सादा सा मतलब है, बिला वजह इतना मुश्किल लफज हम इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब होता है काइंड, टाइप, सिंफ, किस्म। हम देखते हैं कि टेक्स्ट कैन बी एनालाइज इन रिलेशन टू द कॉन्वर्जेशंस एंड कम्युनिकेटिव एम्स ऑफ देयर जॉनरास। लेवल व्हाट इज एनालाइज्ड, अब अगला लेवल क्या है, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी हम एनालाइज कर सकते हैं। नॉन वर्बल एस्पेक्ट्स ऑफ स्पीच एज अ स्टोन ऑफ वॉइस, पॉज, जेस्चर एंड साउंड लाइक, ठीक है, इसका पहले जिक्र कर चुके हैं। फेस एक्सप्रेशंस हैं, हमारा बॉडी मूवमेंट है, हमारी हाथों की हरकत है, ये सब कुछ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाता है। कॉन्वर्जेशनल कोड्स हैं जी, इनका भी तज्जिया हो सकता है। द इंटरेक्शन बिटवीन
पीपल इन अ कॉन्वर्जेशन सच एस टर्न टेकिंग डायलॉग से मिलती जुलती चीज है। एक शख्स एक बात करता है फिर दूसरा अपनी बात करता है, इस तरह से दो अफराद आपस में गुफ्तगू करते चले जाते हैं टर्न बाय टर्न अपनी अपनी बारी पर, इसको टर्न टेकिंग कहते हैं। एंड लिसनर रिस्पॉन्स, इसमें लिसनर रिस्पॉन्स भी आ जाता है कॉन्वर्जेशनल कोड में, यानी लिसनर आपकी बात को सुनने वाला आपको किस तरह का रिस्पॉन्स देता है, नेगेटिव या पॉजिटिव खुलकर रिस्पॉन्स देता है या सिर्फ सर हिलाकर बॉडी लैंग्वेज के जरिए से रिस्पॉन्स देता है, वो सब कॉन्वर्जेशनल कोड्स में शामिल होता है और इसका भी तजिया हो सकता है। हाउ टू कंडक्ट डिस्कोर्स एनालिसिस, अब हमने ये पढ़ना है कि डिस्कोर्स एनालिसिस करना कैसे है। डिस्कोर्स का भी हमें पता चल गया, डिस्कोर्स एनालिसिस का भी पता चल गया, किन चीजों का एनालिसिस होता है वो भी पता चल गया, अब करना कैसे है। इसमें स्टेप वन, डिफाइन द रिसर्च क्वेश्चन एंड सिलेक्ट द कॉन्टेक्स्ट टू एनालिसिस। सबसे पहले आपने जिस किसी चीज का डिस्कोर्स एनालिसिस करना है, वो कोई किताब है, किसी की तकरीर है, उससे मुतलिक रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं आप। नॉर्मली रिसर्च क्वेश्चन तीन होते हैं जी थीसिस में, आपको ये भी बता दें। आगे चलकर जब आपने थीसिस लिखना है, उसका प्रपोजल तैयार करना है, तो पहले रिसर्च क्वेश्चंस बनते हैं। रिसर्च क्वेश्चंस नॉर्मली तीन होते हैं, कोई बड़ा बहादुर हो तो पांच बना लेता है, लेकिन फिर पांच क्वेश्चंस को कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डिफाइन द रिसर्च क्वेश्चंस। आप पहले अपने जहन में रिसर्च क्वेश्चंस बनाते हैं कि व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर, मुझे एक्सप्लोर करना क्या है। टू डिस्कोर्स एनालिसिस यू बिगिन विद अ क्लियरली डिफाइंड रिसर्च क्वेश्चन। ओके, इसकी ज्यादा तफसील में मैं नहीं जाऊंगा। आपने रिसर्च क्वेश्चंस डिजाइन कर लिए। Once you have developed your questions, select a range of material that is appropriate to answer it. फिर वो material तलाश करें जहां से आपको इन अपने research questions का जवाब मिलना है। यानी ये आपका सारा mental process है, आपने सवाल तैयार करने हैं, आपने अपने आप को ये भी बताने के भाई सवाल मैं तैयार कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता कि जवाब कहाँ से मिलने हैं, ये करोगे गड़बड़ हो जाएगी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं जो सवाल तैयार कर रहा हूँ इसके जवाब कहाँ से मिलने हैं। लिहाजा सवाल ही वो तैयार करें जिसका जवाब आपके पास हो, जिसका जवाब आपके पास नहीं है वो सवाल ना तैयार करें, क्योंकि टीचर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपको बताएं। ये मैं मजाक में कह रहा था। नेक्स्ट स्टेप टू है जी, गैदर इंफॉर्मेशन एंड थ्योरी ऑन द टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट। अब आपको इन्फॉर्मेशन जमा करनी है, थ्योरी जमा करनी है उस टेक्स्ट से मुतल्लिक जिसका आप डिस्कोर्स एनालिसिस कर रहे हैं। नेक्स्ट यू मस्ट एस्टैब्लिश द सोशल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच द मटेरियल वाज प्रोड्यूस्ड एंड इंटेंडेड टू बी रिसीव्ड। आप उस कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे कि जिस कॉन्टेक्स्ट में ये टेक्स्ट लिखी गई थी। खतूत गालिब की तरफ फिर से आ जाते हैं, आप गालिब के खतूत का डिस्कोर्स एनालिसिस करते हैं, तो आपके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पर जाएंगे कि भाई इन खतों का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या था। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ये था कि उन खतूत के जरिए से हमें पता चला कि उस जमाने के हालात क्या थे। मिर्जा गालिब के वो खतूत हमारे लिए हिस्ट्री बुक की हैसियत रखते हैं। गैदर फैक्चुअल डिटेल्स ऑफ व्हेन एंड वेयर द कॉन्टेक्स्ट वाज क्रिएटेड, उससे मुतलिक फैक्ट्स एंड फिगर्स जमा करें। यानी आप ये देखें कि ये खत गालिब ने किस सन में लिखा था, किस शहर में बैठकर लिखा था, किस शहर में जा रहा था, वगैरह वगैरह। हु द ऑथर इज, इसका लिखने वाला कौन है, हु पब्लिश्ड इट एंड हुम इट वाज डिसिमिनेटेड टू, और ये किसके नाम लिखा गया, किसकी खाते लिखा गया, वगैरह वगैरह। ये है जी गैदर इंफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेप फोर, थ्री एंड फोर टू स्टेप्स रह गए हैं जी। योर रिसर्च एज वेल एज अंडरस्टैंड द रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिस्कोर्स, यू कैन ऑल्सो कंडक्ट अ लिटरेचर रिव्यू ऑन द टॉपिक एंड construct a theoretical framework to guide your analysis. Okay, literature review bhi banaya ja sakta hai. Literature review kya hai ki aapne jis text ka analysis karna hai usse mutalliq aapse pehle bhi bahut se log analysis kar chuke honge, aap pehle nahi hai, lihaza un logon ke tajziyat bhi pad lijiye. Masalan paradise lost par दर्जनों लोगों ने दर्जनों बातें लिखी हैं, दर्जनों आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, किताबें लिखी हुई हैं, तबसरे हैं, उन तबसरों को पढ़कर अपने एनालिसिस में शामिल कर लीजिए। एक मिनट बाकी है जनाब आपके लेक्चर खत्म होने में, स्टेप थ्री और फोर खत्म करो। एनालाइज द कंटेंट फॉर थीम एंड पैटर्न, उसके बाद आपने कंटेंट को पढ़ना है ताकि पता चले कि थीम क्या है, इसका पैटर्न क्या है। यानी आपने सारी पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ा इस मकसद से पढ़ा कि मुझे पता चले कि इसका थीम क्या है, इसका पैटर्न क्या है, यानी किस अंदाज में लिखी गई है।
ये शायराना अंदाज में लिखी गई थी, ब्लैंक वर्स में लिखी गई थी, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। रिव्यू योर रिजल्ट्स एंड ड्रॉ कंक्लूजन, आखिरी काम आपने ये करना है कि जब आप सारे एनालिसिस कर चुके हैं, सारा डाटा कलेक्ट कर चुके हैं, पढ़ लिया है, तो फिर आप देखें कि आखिर आप नतीजा क्या निकाल रहे हैं, क्योंकि आपका डिस्कोर्स एनालिसिस किसी के हाथ में जाना है। पढ़ने वाला ये जानना चाहेगा कि भाई इस बंदे ने इतने सफात लिख दिए, ये मुझे बताना समझाना क्या चाहता है, इसकी इस तहरीर का मकसद क्या है। आपने 100 सफ़े का 70